मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मजदूरी के चंद रुपयों को लेकर मामूली विवाद में बहसबाजी के बाद बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद अगले ही दिन युवक का शव खेत में मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक का शव खेत में बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर गंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। ये पुलिस को सुबह 9 साढ़े 9 बजे सूचना मिली कि किला खंडारा में रोड से सटा हुआ एक खेत छोड़ के दूसरा खेत है, जहाँ पर मृतक अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है, जिसके मुंह सर उसका किसी पत्थर से, जो कि उसके बगल में ही था, उससे कुचला हुआ है। तो उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हाँ, इसमें कुछ संदिग्धों के नाम आए हैं और उस पर पुलिस तलाश में भी है, और क्या कारण कुछ सामने आया? हम लेन देन का, इनका पैसे का लेन देन, क्योंकि रात में झगड़ा भी हुआ है नज़दीकी ढाबे पर, और सभी सभी मुद्दों पर पुलिस जांच में है अभी। ये लोग आए, इनको बुलाया यहाँ पर, और आए तो ये मारना चालू कर दिया भैया को। अब मारना चालू किया तो ढाबा था वहाँ पर, ढाबा वाला भैया भी आया, उन्होंने भी बचाव किया, हमने भी किया, हम दो आदमी थे। तो उसके बीच में वो समझ गए और पैसे भी दिए उनको, तो भी बोले और बाकी पैसे कब देंगे, ऐसा वैसा, और मारना चालू कर दिया। अरे हम गाड़ी खड़ी कर रहे थे, मैं दूसरी साइड में ढाबा वाला, मेरे दुकान के सामने गाड़ी साइड में करो, तो मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, जब तक भाग गए। कौन कौन लोग थे ये? ये श्याम, शंभू और नवीन। और तुम लोग कौन? हम अवतार और मैं और मोहन भैया हम थे। तो ये भाग गए मोहन भैया, तो इधर गन्ना बाड़ी में घुस गए। उधर हमने फ़ोन वोन, मेरा मोबाइल भी उन्हीं के पास था, फ़ोन लगा रहे तो उठा नहीं रहे, और वो लोग बोले नहीं मिले करके, वो भी उधर से दूसरे रास्ते में मिलेंगे करके वो चले गए, पर वो उनको ढूंढने ही गए थे वो, पर हमने लोग गन्ना बाड़ी में मिल गए, चले गए, मिलेंगे नहीं ये तो करके वो, हम भी लौट कर आ गए वापस घर पर। उनके घर पर आए तो हमने बताया उनको ऐसे ऐसी बात हुई ये, हम फिर सुबह हम ढूंढने गए, तो हमने तो राठीपुर में होगा, तो राठीपुर गए तो राठीपुर में नहीं मिला, किसी से सबसे पूछा नहीं है बोले। फिर हम ऐसे घूमते हुए आए तो फिर वहाँ लेबर खेत में काम कर रही थी, तो उनने बताया कि इधर कोई सो रहा है बोले। एक भैया मिला तो उनसे बात करी, तो बोले यार लेबर बता रही कोई सोया है बोले, इधर तो हम देखने गए तो वही निकले। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनक परिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।